मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है तो यस लिख दीजिए। मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है तो यस लिखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, इनडीड अ प्लेजर टू बी विथ यू ऑल दिस वंडरफुल डे। आज आपकी जिंदगी का एक बहुत ही हसीन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन दिन होने वाला है आपके लाइफ में। मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है और मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ, सीधा सुधर मुद्दे पे आ जाता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस वॉर्म वेलकम। मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है और लोग मेरे को थंडरबोल्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जहां पर भी मैं जाता हूं बिजली और बादल का गरजना हो जाता है और मैं कुछ ना कुछ हंगामा करके वहां से निकलता हूं, इसीलिए लोग मेरे को थंडरबोल्ट के नाम से भी जानते हैं। मेरे को बहुत खुशी है यहाँ पर आप लोग के साथ यहाँ पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए। कुछ बातें अपने बारे में बताना चाहूंगा। आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड 200 टॉप मल्टीनेशनल एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज, बहुत ही टॉप के 200 मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कंपनीज को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। 25 से ऊपर इंडिया में जो टॉप इंश्योरेंस कंपनी है उन लोगों के मैंने काम किया है। 100 से अधिक MLM कंपनियों के साथ, 1989 में मैं ये इंडस्ट्री में आया जबकि यहाँ पर कोई MLM कंपनी होती नहीं थी, और तब से मैंने इन कंपनियों को देखा है। और खुशी की बात ये है माय डियर फ्रेंड्स कि पूरी इकोसिस्टम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया है, यानी इन कंपनियों के मालिक के साथ मैंने पर्सनल कोचिंग किया है, इन कंपनियों के टॉप लीडर्स के साथ मैंने लीडरशिप और मैनेजमेंट का ट्रेनिंग किया है, इन कंपनियों के नेटवर्कर के साथ मैंने सेल्स का प्रोग्राम और नेगोशिएशन का प्रोग्राम और पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम और कम्युनिकेशन का प्रोग्राम सब कुछ किया है। अगर आप देखेंगे 1989 में मैं गया था तो ये जो कंपनी आपके सामने दिख रहे हैं इनके सब के मालिक लोगों को मैं पर्सनली मिला था, इनके मालिकों के साथ मैं 1989 में बैठा और 2-3 साल इनके संगत में रहने के बाद और बहुत सारे कंपनियों में ट्रेन करने के बाद, जितने भी कंपनियां हैं इंडिया में MLM की कंपनियां, डायरेक्ट सेल्स की कंपनियां और ये सभी कंपनियों में काम करने के बाद, और खास करके यूरेका फोर्ब्स में जहां पर मैं सेल्स का बंदा होता था, ग्रुप लीडर होता था, सुपरवाइजर होता था, ब्रांच मैनेजर होता था और इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन होता था, मैं इंश्योरेंस और बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में मैं काम किया हूं। और इंश्योरेंस और फाइनेंस इंडस्ट्री में जितने भी टॉप कंपनियां हैं इन कंपनियों को मैंने ट्रेन किया है। और आप देखेंगे ICICI हो, मैक्स हो, कोई भी कंपनी हो, नेशनल और ट्रांसनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मैंने काम किया है। एशियन पेंट्स का हर सेल्स का बंदा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का हर लीडर, सोनी का हर जनरल मैनेजर, कोको कोला का हर ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, वोडाफोन का हर डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, एयरटेल का बंदा, सेन गोबेन ग्लास जो दुनिया की नंबर 1 ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स, और अगर आप देखेंगे जितने भी कंपनियां हैं इन सब के मालिकों के साथ, जीएम्स के साथ, वीपी के साथ, सीईओस के साथ, सबके साथ मैं काम कर चुका हूं। फ्रेंच कॉन्ग्लोमेरेट सोडेक्सो पास जो $16 बिलियन की कंपनी है उसके MD का पर्सनल कोचिंग करता था, टाटा हाउसिंग का चेयरमैन का पर्सनल कोचिंग करता था, इन सभी के संगत में रह के आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड मेनी मेनी पीपल। और खास करके माय डियर फ्रेंड्स 15,000 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर जो 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़ का बिजनेस चलाते हैं, उन सब के मालिकों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ है। स्मॉल कंपनियों को मीडियम बनाना, मीडियम को लार्ज बनाना, अगर आप एग्जांपल देखेंगे एक्सिस बैंक, एक्सिस बोल के कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी बैंगलोर में, हरीश बा राजू साहब जो है वो 25 साल में 25 करोड़ के थे, 2 साल में हमारे साथ 100 करोड़ के हो गए। गिरधारी होम्स हैदराबाद में 25 साल में 35 करोड़ में थे, 2 साल में वो सीधा सीधा बन गए 100 करोड़ का कंपनी। मुझे याद है 35 साल में 45 करोड़ का कंपनी है बंबई का वॉल प्लस बोल के, वॉल पुट्टी बनाने वाला कंपनी, हम लोगों के संगत में आता है संतोष नायर नॉलेज प्रोडक्ट्स एंड मर्चेंडाइज और स्मार्ट के संगत में आता है और मात्र 8 साल में
आठ साल में, 45 साल में, मतलब 35 साल में 45 करोड़ वाला कंपनी मात्र 8 साल में 851 करोड़ का कंपनी बन जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, 20 लाख से ज्यादा आदमी लोगों को ट्रेन किया हूं, इंडिया का टॉप 1 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स को ट्रेन किया हूं, इंडिया का टॉप 10 इंश्योरेंस एजेंट्स को ट्रेन किया हूं, सभी जो टॉप 10 इंश्योरेंस एजेंट्स है मेरे स्टूडेंट्स हैं इंडिया में। और ये है दीपक दाबलिया नंबर 5 इंश्योरेंस एडवाइजर, अभी अभी 25 करोड़ रुपए का पॉलिसी बेचा और लास्ट ईयर उसका इनकम एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर 3 करोड़ रुपया था, 3 करोड़ रुपया नेट इनकम था, कमीशन की बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे एक छोटा सा झोपड़पट्टी टाइप ऑफिस में बैठा हुआ निखिल नायक आज 1800 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट और इंडिया का नंबर 2 इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर। और ये है विराट कोहली का फाइनेंशियल एडवाइजर जयदीप काशीकर, जो मेरा स्टूडेंट है पिछले 20 साल से और 3508 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट चलाता है। 350 वीडियोस मैंने बनाए हैं आप जैसे लोगों के लाइफ को बदलने के लिए। आप में से कितने लोग छलांग लगाना चाहते हैं तो जस्ट लिखिए आई, जस्ट लिखिए आई। और दिल से कितने लोग छलांग लगाना चाहते हैं और अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी को जीना चाहते हैं, जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हो तो जस्ट राइट आई। जिंदगी में आपको वो सब मिलना चाहिए जो आपको चाहत है, जो आपकी जुनून है, जो आपका सपना है, जस्ट लिखिए आई। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ऑडियंस बैठे हुए हैं और सब लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। मुझे बड़ी खुशी है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ ये बहुमूल्य वक्त आपका साथ भी इन्वेस्ट कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्लैनेट में कम से कम 64 अलग इंडस्ट्री को मैंने ट्रेन किया है और इस सबसे मिला हुआ ज्ञान, इन सबसे मिला हुआ विजडम, प्रज्ञा जूस निकाल के मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैंने क्या समझा है, मैंने क्या सीखा है ये इंडस्ट्री के बारे में, एमएलएम इंडस्ट्री, नेटवर्किंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के बारे में मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या समझा है, आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस रिलेंटलेस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री को बदलने के चक्कर में मैं कुछ सच का सामना किया, आई केम अक्रॉस सम ट्रुथ, मैंने कुछ सच्चाइयों का सामना किया। एक चीज मेरी समझ में आई 37 साल में, कोई भी कंडीशन हो बिजनेस एनवायरनमेंट का, एक इंडस्ट्री है जो हमेशा आगे बढ़ती रही, हमेशा अपॉर्चुनिटी देता रहा और हमेशा हर वो इंसान को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, और वो एकमात्र इंडस्ट्री है जिसने बिजनेस में लोगों को गाइड किया और कंटिन्यूसली आगे बढ़ने में मदद की। ये वो इंडस्ट्री है जो शॉक प्रूफ है, वो झटका प्रूफ है, वो फटका प्रूफ है, वो वाटर प्रूफ है, वो फ्यूचर प्रूफ है, और ये वो इंडस्ट्री है जिसने लोगों को हर हाल में, हर काल में जीतने की कलाकारी सिखाई। आप जान ही गए होंगे कौन सा इंडस्ट्री है जो ये काम पिछले कई सालों से, 84 ईयर्स से, ये वो इंडस्ट्री है जो झटका प्रूफ है, जो फटका प्रूफ है, जो आया और जिसने दिल से काम किया उस इंडस्ट्री ने उसको मालामाल कर दिया, इस इंडस्ट्री ने उसको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। और वो इंडस्ट्री का नाम क्या है जल्दी से बताइए। एब्सोल्यूटली राइट माय डियर फ्रेंड्स, वो है नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री। 84 ईयर्स हो गए हैं ये इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ रही है। ये MLM का इंडस्ट्री है। मैंने आपसे पूछा कि गेस कीजिए ये कौन सा इंडस्ट्री है। यू आर एब्सोल्युटली राइट माय डियर फ्रेंड्स, ये नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री है। इट इज योर इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका इंडस्ट्री, हमारा इंडस्ट्री है, हम सभी का इंडस्ट्री है। इट इज द इंडस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। इट इज द इंडस्ट्री ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, फॉर बाय द पीपल। ये लोगों ने बनाया हुआ इंडस्ट्री, लोगों के लिए बनाया हुआ इंडस्ट्री है।
और इतना ब्यूटीफुल इंडस्ट्री बनता जा रहा है, भले इसमें काफी तकलीफें हैं, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसकी अंगीकारण कर ली है और अभी बहुत सारे यू नो रेगुलेशंस लाइन पे आ रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री और बनता जा रहा है। मैंने अपने आप से पूछा व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस नेटवर्क एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मैंने जब अपने आप से पूछा क्या है ये इंडस्ट्री की यूनिकनेस, जब मैंने अपने आप से पूछा और मैंने लोगों से पूछा व्हाट डू यू थिंक दिस इंडस्ट्री हैज स्टूड स्ट्रांग फॉर, व्हाई डू यू थिंक ये इंडस्ट्री इतने साल से बहुत ही पावरफुली क्यों जमा के अपने आप के लिए बैठा हुआ है, व्हाई डू यू थिंक दिस इंडस्ट्री हैज स्टूड स्ट्रांग फॉर सो लॉन्ग डिस्पाइट ऑल दी अप्स एंड डाउन्स। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे उथल पुथल मचे, लेकिन ये इंडस्ट्री हमेशा हर हाल में हर काल में जीता है और फिर उठ के खड़ा हुआ है और वर्ल्ड वाइड खड़ा हुआ है। इस इंडस्ट्री की खास बात यह है कि इससे साथ जुड़ने वाला हर इंसान, वो एक हाउसवाइफ होवे, एक टीचर होवे, एक कोई भी प्रोफेशनल होवे, वो डॉक्टर होवे, लॉयर होवे, वो छोटा बिजनेसमैन होवे, बड़ा बिजनेसमैन होवे, हर वो आदमी जो इसको जुड़ा है वो ट्रांसफॉर्म जरूर हुआ है इसके साथ जुड़ने के साथ साथ। ये वो इंडस्ट्री है जो आपकी टोटल पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। आप अगर एक कैशियर है बैंक में तो आपकी टोटल पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होती है, यहां पर आपकी सेल्स एबिलिटी, आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी, आपकी लीडरशिप एबिलिटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आपकी इंटरव्यूइंग स्किल्स, आपकी इंस्पिरेशनल स्किल्स, आपकी मोटिवेशनल स्किल्स, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, आपकी सेलिंग स्किल्स, आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी हर पहलू को ये डेवलप करती है। डू यू एग्री विथ मी माई डियर फ्रेंड्स, क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो? तो जस्ट लिखिए ए ए। ये ऐसा कोई पार्ट नहीं है, आपकी टोटल पर्सनैलिटी को डेवलप करता, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपका घर, आपका टोटल पर्सनैलिटी का इवोल्यूशन करती है। ये आपको पुश करती है, ये वो इंडस्ट्री है जो आपको पुश करती है, आपके लिमिट को पुश करती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली ये आपको पुश करता है और आपके अंदर का बेस्ट को लाता है, आपके अंदर का बेस्ट को लाता है। आप मजबूर हो जाते हैं बहुत कुछ करने के लिए जो अदरवाइज आप जिंदगी में कभी नहीं करते ना कभी सोचते। ये वो इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स जिसमें हर आदमी को अलग अलग टाइप का ट्रेनिंग मिलता है, विच बिलीव्स इन ट्रेनिंग। और आप अगर ये इंडस्ट्री में जम के रहना चाहते हैं तो खुद का ट्रेनिंग और दूसरे का ट्रेनिंग में अगर आप बिलीव करेंगे तो कसम भवानी की, कसम ऊपर वाले की, खुदा की, गुरु नानक की, जीसस क्राइस्ट की, अल्लाह की, आपको ऐसा बरकत मिलेगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस बुलंदियों पे आप पहुंचेंगे जिस बुलंदियों पे आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा उस बुलंदियों पे आप पहुंच पाएंगे। ये वो इंडस्ट्री है इसमें कोई ह्यूज कैपिटल नहीं लगता। ये वो इंडस्ट्री है जो फैमिलीज को डेथ और डिसेबिलिटी और डिस्ट्रेस और पैंडेमिक से बचाता है। बहुत सारे लोग पैंडेमिक के टाइम पे इस इंडस्ट्री को जुड़े क्योंकि हर इंडस्ट्री में उथल पुथल मचा, लेकिन ये इंडस्ट्री 10 का मस करके वहीं पर खड़ा हुआ था। ये वो इंडस्ट्री है जो आपके टोटल लाइफस्टाइल को बदलता है। आप कहाँ रहते हैं, आप क्या गाड़ी चलाते हैं, आप किन से मिलते हैं, आप क्या करते हैं, मतलब आपको पूरे वर्ल्ड घुमाता है ये, आपको अलग अलग लोगों तक पहुंचाता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, टैलेंटेड, कमिटेड, नॉट कमिटेड, एकदम अच्छे बुरे सब टाइप के आदमियों को ये मिलाता है और आपके अंदर जबरदस्त पावर पैदा करता है दूसरों में ट्रांसफॉर्म करने का और खुद को ट्रांसफॉर्म करने का। ये वो इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री है जो आपको यू नो इन्फ्लेशन के टाइम में मदद करता है। ये आपका अपर सीलिंग को तोड़ देता है। आप कहीं पर भी काम कीजिए, आप ट्रेवल एजेंसी चलाइए, आप यू नो बैंक में काम कीजिए, आप टीचर का काम कीजिए, जो भी काम करो, यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेल्थ होता है, यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है तो यस लिखिए।
या थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, ये वो इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स जिसने अपर सीलिंग ऑफ इनकम को तोड़ने के लिए आपको मदद करती है। ये वो इंडस्ट्री है, अगर आप चाहते हैं 1,00,000 रुपया आपका इनकम होना चाहिए तो 1 मिलेगा, 2 चाहिए तो 2, 3 चाहिए तो 3, 4 चाहिए तो 4, 5 चाहिए तो 5, 10 चाहिए तो 10 लाख, आप बोलिए वैसा आप अपना अपर लेवल को तोड़ सकते हैं। और ये वो इंडस्ट्री है जो आपके अंदर एक बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर को जन्म देता है। और ये वो इंडस्ट्री है जो 10 का 12 और 12 का 14 करने में बिलीव नहीं करता है, लीनियर ग्रोथ नहीं मिलता इसमें, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है। 10 का 110 और 110 का 220 होता है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। ये वो इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये सब भी है लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत ही गहराई से स्टडी किया है, अगर ये सब है फिर भी Why are we unable to make the best of the opportunities of this beautiful industry? मैं हमेशा सोचता था कि ये सब खूबसूरती के बाद, ये सब वंडरफुल बातों के बावजूद भी क्यों 80% लोग हैं जो इसमें फेल होते हैं और बस रेंगते रहते हैं, क्यों 17% लोग ही है बस थोड़ा सा डिस्टेंस चलते हैं और थोड़ा सा पैसा बनाते हैं। वो 80% लोग वो हैं जो 20,000, 30,000, 40,000 बनाते हैं और 17% लोग हैं जो 50,000, 1,00,000 बनाते हैं और मात्र 3% लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में राज करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया बनाता है। और ये रेशियो है माय डियर फ्रेंड्स, और ये पूरी स्टडी करने के बाद ये रेशियो निकला कि 80% लोग इसमें पैसा बड़ा बनाते ही नहीं है, 17% लोग कभी कभी बनाते और थोड़ा बहुत बनाते हैं, और 3% लोग हैं जो पागल सरफिरे जिहादी जो अपने चाहतों के हिसाब से जिंदगी को जीते हैं और पैसा इज्जत नाम शौहरत सब उनके हाथ में उनकी चाहतों के हिसाब से आता है। क्या आप बता सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स ऐसा क्यों, कि क्यों इसमें इतना सब अपॉर्चुनिटी के बावजूद भी सब अपॉर्चुनिटी के बावजूद भी व्हाई इज दैट बहुत कम लोग हैं जो 3% लोग ही है जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं और अपने आप को टोटली मैक्सिमाइज करते हैं। कोई बता सकता है? अपने चैट बॉक्स में लिखिए ऐसा क्यों। कोई लिखता है कि उनका यू नो फोकस बड़ा क्लियर नहीं होता, लैक ऑफ बिलीफ इन सेल्फ, खुद पे भरोसा नहीं करता, सोच का फर्क है उनके अंदर, विजन क्लियर नहीं है, ऐसा क्यों, यू नो एक्सक्यूज देते हैं, मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, इनकंसिस्टेंट है, आग नहीं है उनके अंदर, दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर फ्यूचर, नॉट ट्राइंग टू चेंज। माय डियर फ्रेंड्स, उनमें पेशेंस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, आदतें नहीं है, एक एक करके सब लोग बोल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दे डोंट नो हाउ टू सेल, उनको मालूम नहीं है बेचना कैसे है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने कहा है। और ये कौन सा रीजन है, व्हाई आर वी अनेबल टू टेक द बिग छलांग, वो छलांग क्यों नहीं ले पाते हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। और वो छलांग इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन है इग्नोरेंस, इसको अज्ञानता बोलते हैं। यू नो हम लोग में से बहुत सारे लोग इग्नोरेंट है, अज्ञान है, और हमें मालूम नहीं है वो रीजंस कि हम लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एंड गेट रिड ऑफ दिस इग्नोरेंस, आप में से कितने लोग इस अज्ञानता से दूर होना चाहते हैं, जस्ट लिखिए आई। आप में से कितने लोग इस अज्ञानता से निकल के यू नो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ब्यूटीफुल माय डियर फ्रेंड्स डोंट वरी, आप लोग राइट प्लेस पे आए हैं और राइट प्लेटफॉर्म पे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग आए हैं। टुडे आज आपका दिन का, आज आपका वेकनिंग का दिन है, तो आज आपका जागने का दिन है। टुडे इज द डे टू कम आउट ऑफ द डीप स्लीप, गहरी निद्रा से बाहर आने के लिए। और आज का ये प्रोग्राम का नाम है जागो नेटवर्कर, जागो माय डियर डायरेक्ट सेल्स पीपल, जागो नेटवर्कर, जागो। और इस जगाने के लिए आज इस इंडस्ट्री का भयंकर एनॉर्मस पावर को स्टडी करने वाले हैं।
और ये स्टडी करने के लिए मैंने इस इंडस्ट्री में 18 टुडे वी विल मेक एन अटेम्प्ट टू एनहेंस द एनॉर्मस पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर यू. ये इंडस्ट्री का पावर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाएगा बाय बस्टिंग 18 कॉमन मिथ्स, झूठ, फॉल्स स्टोरी, फॉल्स आइडिया, मिथक और काल्पनिक काल्पित कहानियां. इसको हम बस्ट करेंगे. इस इंडस्ट्री में 18 झूठ बोला जाता है. इस इंडस्ट्री में 18 अज्ञानताएं हैं, 18 झूठ बोला जाता है. इस इंडस्ट्री में 18 मिथ्स है. इस इंडस्ट्री में झूठी कहानियां बताई जाती है. और इस इंडस्ट्री में अगर आपको आगे बढ़ना है और इस इंडस्ट्री में लगातार आपको अचीवमेंट करना है बाय बस्टिंग 18 झूठ, क्या आप में से हर आदमी इस 18 झूठ को जानने के लिए रेडी है? तो लिखिए रेडी. वंडरफुल. झूठ नंबर वन, जो डायरेक्ट सेलिंग में और ये एमएलएम इंडस्ट्री में झूठ नंबर वन, सबसे पहला फॉल्स स्टोरी झूठ नंबर बोला जाता है. कहते हैं इट इज अ फाइन फील्ड फॉर अर्निंग सम पैसिव इनकम बट नॉट एट ऑल ए फील्ड ऑफ डिग्निटी. कहते हैं पैसिव इनकम के लिए बनाया गया है इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें इज्जत नहीं है. यह झूठ है. और सच्चाई यह है माई डियर फ्रेंड्स, हकीकत यह है कि सिंस 1934 करीबन 87-88 ईयर्स हो गया है, इट हैज बीन अ फील्ड ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. ये बहुत बड़ा डिग्निटी और रिस्पेक्ट का फील्ड है, लेकिन उन लोगों के लिए, फॉर दोज हु हैव टेकन इट एज अ प्रोफेशन, जिन लोगों ने इसको प्रोफेशन करके लिया है एंड नॉट एज अ जॉब और एन एक्टिविटी टू बी डन एज पर योर मूड्स. ये अपने मूड के हिसाब से और अपने इसको एक जॉब करके लेंगे, इसको एक एक्टिविटी करके लेंगे और अपने मनमानी के लिए आपने अगर इसको ज्वाइन किया तो ये इंडस्ट्री आपको मालामाल नहीं करेगा. इट इज नॉट एन इंडस्ट्री फॉर पैसिव इनकम बट एक्टिव इनकम कमाने के लिए और बहुत ही बढ़िया फ्यूचर बना के प्रोफेशनल बन के काम करने के लिए ये इंडस्ट्री बनाया गया था. नाउ टेल मी माई डियर फ्रेंड्स, एक होता गली का क्रिकेट और एक होता है विराट कोहली का क्रिकेट. एक होता गली का क्रिकेट, एक होता विराट कोहली का क्रिकेट. एक होता है गली का बैडमिंटन जो आपने खेला और हमने खेला, और एक होता है पीवी सिंधु का बैडमिंटन, एक रोहित शर्मा का बैडमिंटन क्रिकेट, एक पीवी सिंधु का बैडमिंटन. आपने भी बैडमिंटन खेला, हमने भी बैडमिंटन खेला, आपने भी क्रिकेट खेला, हमने भी क्रिकेट खेला है. एक होता है स्ट्रीट का फाइट और एक होता है रियल प्रोफेशनल रेसलिंग जिसको बोलते हैं. एक होता है कि गली का वेट लिफ्टिंग और एक होता है मीराबाई का, जिसने अभी ओलंपिक जीता, उसको प्रोफेशनल वेट लिफ्टिंग बोलते हैं. एक होता है गली का चेस जो आपने खेला है, जो हमने खेला है, और एक होता है विश्वनाथन आनंद का चेस. एक होता है कि गली का धंधे वाला जो मिठाई का दुकान लगा के बैठता है, जो समोसे का दुकान लगा के बैठता है, और एक होता है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर जिससे आप हल्दीराम जैसे कंपनी 2000 करोड़ का बना सकते हैं. एक होता है एक गली का एंटरप्रेन्योर जो एक छोटा सा लॉज चलाता है, और एक होता है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर जो ओयो चलाता है. एक होता है गली का धंधे वाला और एक होता है नारायण मूर्ति जो बनता है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर. एक होता है गली का नेटवर्कर और एक होता है प्रोफेशनल नेटवर्कर. ये गली का गेम खेल के अगर आप बोलते हैं, गली क्रिकेट खेल के अगर आप बोलते हैं कि आपको विराट कोहली के मार्फत पैसा, नाम, इज्जत चाहिए, तो वो मिलने वाला नहीं है. आपको सबसे पहला इसको एज अ प्रोफेशन चुनना पड़ेगा. कोई भी इंसान को, कोई भी एक प्रोफेशन को चुनना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, एक लॉयर एक प्रोफेशन है, आर्किटेक्ट एक प्रोफेशन है. ये एक प्रोफेशन है माय डियर फ्रेंड्स. इसको प्रोफेशन की इज्जत मिलनी चाहिए. और जिसने इसको प्रोफेशन करके लिया
किसी ने चेस को लिया, किसी ने किसी ने क्रिकेट को लिया, किसी ने आर्किटेक्चर को लिया, आपने नेटवर्किंग को लिया। क्या आप इसको एक नौकरी, क्या इसको आप एक एक्टिविटी, क्या इसको आप एक जॉब करके देखते हैं, तो आप कभी भी इसमें मालामाल नहीं बन सकते हैं। सच्चाई यह है कि कौन सा जो काम है ये एक एक्टिविटी है और कौन सा एक प्रोफेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोफेशनल कौन होता है, एक प्रोफेशनल का डेफिनेशन क्या है? एक प्रोफेशनल वो होता है, ये ए प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु गारंटीज रिजल्ट्स। एक प्रोफेशनल वो होता है जो रिजल्ट गारंटी करता है, हु प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एट विल। एक पिक्चर निकाल सकते हैं आप, ये डेफिनेशन है प्रोफेशन का। मैं एक सेल्स प्रोफेशनल हूं, मैं ट्रेनिंग प्रोफेशनल हूं। एक प्रोफेशनल कौन होता है? एक प्रोफेशनल वो होता है जो गारंटी करता है रिजल्ट्स एट विल, विदाउट बीइंग डायरेक्टेड, विदाउट बीइंग गाइडेड, विदाउट बीइंग ऑब्जर्व्ड, विदाउट बीइंग मॉनिटर्ड, विदाउट बीइंग सुपरवाइज्ड, विदाउट बीइंग इंस्पायर्ड, विदाउट बीइंग मोटिवेटेड और विदाउट बीइंग रिमाइंडेड और पुश्ड। एक प्रोफेशनल वो होता है, सचिन तेंदुलकर रोज सुबह को उठ के उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद उठ जाता है। उसे बोलने की जरूरत नहीं कि बेटा काम कर, बेटा जाके प्रैक्टिस कर। उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं, उसे सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं, उसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, उसे इंस्पायर करने की जरूरत नहीं, उसे पुश करने की जरूरत नहीं, उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, उसे सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है, उसे ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं, उसे गाइड करने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्ट करने के लिए जरूरत नहीं है। वो सेल्फ गाइडेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ इनिशिएटेड है। यह डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल में। एक प्रोफेशनल नेटवर्कर वो होता है जो सुबह उठता है, जो जाता है मार्केट में और वो हर वो काम करता है जो काम उसको करना चाहिए, जो उसने सीखा है। एक प्रोफेशनल कैसे बनते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं, आप इसमें जुड़े, आप प्रोफेशनल बने कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बनना है तो एक प्रोफेशनल की चार ई होती है। चार ई आप देखिए, एक प्रोफेशनल चार ई को प्रैक्टिस करता है। सबसे पहला ई का नाम है एजुकेशन, दूसरा ई का नाम है एग्जामिनेशन, तीसरा ई का नाम है एक्सपीरियंस और चौथा ई का नाम है एथिक्स। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 5 साल के लिए आप मणिपाल इंस्टीट्यूट में जाते हैं और बड़े बड़े मोटे मोटे किताब पढ़ते हैं और सबसे पहला आप अपना एजुकेशन को पूरा करते हैं। वो 5 साल में आप सुबह से लेकर रात तक 8 से 12 घंटा पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते 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 आप एक इंसान के बॉडी को, एक इंसान के अंदर क्या क्या चीजों की जरूरत है, ये सब चीजें एज ए डॉक्टर उसको आप अपने आप को एजुकेट करते हैं हॉस्टल में रह के। अगर आपने 6 महीना 1 साल पढ़ाई किया और आपने पूरी तरीके से एक एक टेक्स्ट बुक को मास्टरी की और आपने जाके अपने डीन को या प्रिंसिपल को बोला मुझे सर्टिफिकेट दे दो, तो वो आपको देगा? आपने पढ़ाई की और आपने सारी किताबें पढ़ ली, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यस और नो? आपने जाके अपने डीन को बोलना है, अपने प्रिंसिपल को बोलना है कि मैंने पढ़ाई कर दी, मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, विल ही गिव इट टू यू? यस और नो? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगा। और सबसे पहला, एंड देयरफॉर आपने ये बहुत ही सुंदर कंपनी, आपने ये बहुत सुंदर कंपनी एनर्जिक को जो दिन ज्वाइन किया, जो दिन आपने कैंगन वाटर को बेचने की बात समझी, आप भी वो दिन एक डॉक्टर बने, आप भी वो दिन पानी का डॉक्टर बने और वो दिन आपको इस लाइन में जो जो पढ़ाई करनी थी वो पढ़ाई आपको करनी थी, वो पढ़ाई आपको करनी थी और आपको वो पढ़ाई की मास्टरी करनी थी। सबसे पहला माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोगों को मैंने पूछा कि एक प्रोफेशनल का पहला ही क्या है। एक वाटर एक्सपर्ट या एक पानी का डॉक्टर, एक वाटर एक्सपर्ट आपको बनना है तो सबसे पहला है एक प्रोफेशनल का ई। अगर आपने जाके अपने प्रिंसिपल को बोला मेरे को सर्टिफिकेट दे दो, तो वो नहीं देगा और वो बोलेगा कि आप पहले एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप जाएंगे मार्केट में,
एक बड़े डॉक्टर के नीचे काम करेंगे या बड़ा हॉस्पिटल में काम करेंगे और तजुर्बा लेंगे और उसके बाद एथिकल बिहेवियर, सच्चाई और इंटीग्रिटी के साथ आप अपना अपना डिस्पेंसरी को स्टार्ट करेंगे। एंड दीज आर द फोर ईज। इसी तरह से हम लोग जो दिन ज्वाइन किए इन एजिक को, जो दिन हमने ये डिसाइड किया कि कैंगन वाटर को हम गली गली में पहुंचाएंगे, वो दिन हमने भी अपना एजुकेशन को पूरा करना है। आपने अपना पढ़ाई लिखाई और अपने आप को अपडेट करने का कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए था। भले आपने अपना पहला ई कंप्लीट किया या नहीं किया, आपके कस्टमर आपका लेगा सेकंड वाला ई, यानी आपका एग्जाम लेगा। वो बोलेगा मैं सोच के बताता हूं, बाद में बताता हूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपको कलर अलग अलग टाइप के बहाने देंगे कस्टमर आपका माल ना खरीदने के लिए। आपने अगर पहला वाला ई को कंप्लीट नहीं किया, फिर भी आपका एग्जाम तो कस्टमर लेता ही रहेगा। और अगर आप अपने एग्जाम में फेल हो गए, अगर आपने वो सब जवाब देने से आपका काबिल नहीं है, अगर वो सही जवाब देने के लिए, तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। एंड देयरफॉर बहुत सारे लोग एनर्जिक को ज्वाइन करने के बाद भी, 6 महीने 1 साल निकालने के बावजूद भी, अगर उसने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं किया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया, सेलिंग के बारे में सीखा नहीं, लीडरशिप के बारे में सीखा नहीं, टीम बिल्डिंग के बारे में सीखा नहीं, कम्युनिकेशन के बारे में सीखा नहीं, और अपने आप को उसने एजुकेट नहीं किया, तो कस्टमर उसका एग्जाम लेगा और उस एग्जाम में उसका एक्सपीरियंस बड़ा पुअर रहेगा कि वो रोज रिजेक्ट होके आएगा। और फिर जब रिजल्ट नहीं आते तो लोग झूठ बोलते हैं। और इसीलिए एक प्रोफेशनल का सबसे पहला, जो दिन आप ज्वाइन करते हैं वो दिन आपको मान के चलना है कि ये एक प्रोफेशन है, ये एक एक्टिविटी नहीं है, ये एक पार्ट टाइम, ये सम टाइम, ये मूड आया तो किया, दिल किया तो किया। अगर आप इसी तरह का बिहेवियर प्रेजेंट करेंगे, मूड आया तो आपने दुकान खोला, मूड नहीं आया तो दुकान नहीं खोला। अगर आपके उधर एक डेयरी फार्म है, एक मिल्क का दुकान है, वो कभी कभी खोलता है, कभी कभी नहीं खोलता, कभी दोपहर को खोलता है, कभी शाम को खोलता है, कभी खोलता ही नहीं है, कभी संडे खोलता है, कभी नहीं खोलता, आप कभी भी थोड़े दिन के बाद उस दुकान में जाना बंद करेंगे। डू यू एग्री विथ मी माई डियर फ्रेंड्स? डू यू एग्री विथ मी? क्योंकि एक खुलने का टाइम होता है, एक बंद होने का टाइम होता है। एक आप उधर गए, उधर माल नहीं मिल रहा, आप उसको कुछ भी पूछो तो उसका जवाब नहीं दे रहा। इसी तरह से जब आप एक कस्टमर के सामने जाते हैं माल बेचने के लिए, कैंगन बेचने के लिए, एनर्जिक के बिहाफ पे जब आप जाते हैं, अगर आपने अपना पढ़ाई लिखाई, आप थे हाउस वाइफ, अगर आप एक बिजनेस प्रोफेशनल थे, आप बैंक में कैशियर थे, लेकिन आप एक नया प्रोफेशन, एक सेल्स का प्रोफेशन, एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आए हैं, ये एक सेल्स का प्रोफेशन है, इसके अंदर इसकी मास्टरी करनी है। अगर आपने इसकी मास्टरी नहीं की तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। फिर आप क्लाइंट को गाली देके, दुनिया को गाली देके फायदा नहीं है कि उसने मेरा माल नहीं खरीदा। वो बोलता है कि तेरा भाव बहुत ज्यादा है, 3 लाख रुपया बहुत ज्यादा है, 2.5 लाख रुपया बहुत ज्यादा है, तेरे पास 20 सवाल का जवाब है कि इसको हैंडल कैसे किया जाए। क्या तूने उसकी पढ़ाई की? क्या तूने एक 200 पेज का नोटबुक निकाल के जो जो ऑब्जेक्शन आता है उसके काउंटर में 30-30, 40-40 अलग अलग टाइप के आंसर को तूने पैदा किया है, निकाल के डाला है? कितनी किताबें तुमने पढ़ी है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर? कितनी सेल्स की किताबें तुमने पढ़ी है? दूसरा झूठ इसमें जो बोला जाता है, दूसरा फॉल्स आइडिया कि एवरीवन एंड एनीवन कैन मेक ह्यूज मनी, कोई भी पैसा बना सकता है इस इंडस्ट्री में, बस ज्वाइन हो जाओ। अरे भैया ये झूठ है, क्योंकि अर्निंग के पहले लर्निंग होगा यहां पर, और जो लर्निंग नहीं करता है, कसम भवानी की, ऊपर वाले की, अल्लाह की, गुरु नानक की, उसको पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए इसमें बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है, बहुत सारे ट्रेनिंग और वेबिनार और सेमिनार्स अटेंड करने होते हैं, इसमें बहुत सारे ऑडियो और वीडियोस देखने होते हैं, और अलग अलग टाइप के कोर्स करके अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तीसरा झूठ वो ये है कि बस सक्सेस बहुत ही इजीली इस इंडस्ट्री में आ जाता है, बस 6 महीना काम करना फिर जिंदगी भर बैठ के खाना है। ऐसा कोई धंधा नहीं होता है कि 6 महीना काम करो और जिंदगी भर के लिए खाना खा सकते हो आप, ये झूठ है। फॉर अचीविंग सक्सेस यू हैव टू गो थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ नेटवर्किंग।
एक नेटवर्कर को चार स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेज का नाम है सर्वाइवल, ये 0 to 6 महीने का होता है और 6 से 3 साल का पीरियड को स्टेबिलिटी पीरियड बोलता है और 3 साल से 25 साल का पीरियड को सक्सेस का पीरियड बोलता है और 25 साल के ऊपर का पीरियड को सिग्निफिकेंस बोलते हैं। अगर आप तैयार नहीं है इस कंपनी के साथ और एक इंडस्ट्री में एक कंपनी के साथ 25 साल तक रह के सर्वाइवल से स्टेबिलिटी और वहां से सक्सेस और सिग्निफिकेंस पे जाने के लिए, और हर स्टेज में आपको अलग अलग चीज पढ़ना पड़ेगा और लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, हर स्टेज में अलग अलग चीज पढ़ना पड़ेगा और लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। झूठ नंबर 4 कि टीम बिल्डिंग तो बहुत इजी है, हो जाता है, बस तो थोड़ा सा एफर्ट डालो टीम बिल्ड हो जाएगी। नो माय डियर फ्रेंड्स, हकीकत यह है कि टीम बिल्डिंग और भीड़, टीम और भीड़ में फर्क होता है। अगर टीम है तो टीम सुबह से लेकर रात तक बराबर ईमानदारी के साथ काम करेगी। अगर आपके पास भीड़ है और आप भी अगर भीड़ के इंसान हैं तो भीड़ और टीम का बहुत फर्क होता है। टीम अलाइंड होता है, टीम पढ़ा लिखा होता है, टीम एक दूसरे को मदद करती है, टीम पढ़ता है, लिखता है, जानता है, रोल प्ले करता है, सेल्स के बारे में सीखता है, मस्टरी करती है। और भीड़ का कोई अपना सोच नहीं है, अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, भीड़ मूर्छित लोगों की संगठन है। तुम भीड़ में हो कि टीम है, कि तुम भीड़ का हिस्सा हो और तुमने भीड़ बना के रखा है कि टीम बना के रखा है, तुम्हें यह देखना है। क्योंकि टीम बनाने के लिए 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, पहला फॉर्मिंग करना पड़ता है, फॉर्मिंग ऑफ द टीम। उसके बाद टीम के अंदर अनबन चालू होती है, मारामारी चालू होती है, टीम टूटने को चालू होता है, इसको स्टॉर्मिंग बोलते हैं। उसको बराबर करके नॉर्मिंग करना पड़ता है और उसके बाद टीम परफॉर्म करने को चालू करेगी और फिर आप मालामाल बन सकते हैं अगर आपने टीम बनाया। टीम बनाने की कलाकारी आपको सीखनी होगी। 5वां बात कि कहते हैं बस आफ्टर यू बिल्ड अ टीम थिंग्स गो स्मूथ, आप थोड़ा सा टाइम बना लो, बाद में सब स्मूथ चलता रहता है, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स और आपको पैसा मिलता रहेगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये झूठ है। हकीकत ये है कि अगर आपने टीम को नर्चर नहीं किया, उस पेड़ को आपने नर्चर नहीं किया तो वो पेड़ मर जाएगा। दैट ऑन विच यू पे अटेंशन ग्रोस, दैट ऑन विच यू डोंट पे अटेंशन डाइज। आपने अगर टीम को लगातार नर्चर नहीं किया, उसको मैन्योर नहीं डाला, फर्टिलाइजर नहीं डाला, तो वो टीम टूट जाएगी। एंड देयरफॉर टीम बनाने के लिए आप में टीम बिल्डिंग के साथ साथ लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए और आपको 5 लेवल से गुजरना पड़ेगा लेवल 5 लीडर बनने के लिए। लेवल 1 लीडर वो होता है कि लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आप उसका अपलाइन है, ये उसकी बदनसीबी है। लेवल 2 लीडर वो होता है लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि वो फॉलो करना चाहते हैं। लेवल 3 लीडर वो होता है लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि आपने संस्था के लिए बहुत किया है। लेवल 4 वो लीडर होता है जिसने आपके लिए और हजारों लोगों को इसने बनाया है। और लेवल 5 लीडर वो होता है जिसकी चाल निराली, जिसकी बोली निराली, जिसका नॉलेज निराला, जिसका एटीट्यूड निराला, जिसकी आदतें निराली, जिसकी स्ट्रेटजी निराली, उसकी अस्तित्व को लेके लोग उसको रोल मॉडल मानते हैं। आपको ये लाइन में लेवल 5 लीडर बनना पड़ेगा। 6वां झूठ कि गो टू द मार्केट से एनीथिंग एंड अर्न मनी। कुछ भी बोलो, कस्टमर बोलता है तेरा भाव ज्यादा है, आप बोलते हैं लेकिन अच्छा माल है ना, आप ले लीजिए। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किसको बोलना है, कब बोलना है, बोलने के लिए कौन से ग्रुप ऑफ पीपल आपके सामने बैठा रहना चाहिए, इसकी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। माई डियर फ्रेंड्स, मेनी पीपल कम बैक एम्प्टी हैंडेड बिकॉज कुछ भी जाके बोलने से, कुछ भी बोलने से पैसा नहीं मिलता। माई डियर फ्रेंड्स, इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेड सेल्स प्रोसेस होती है, सेल्स का एक प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस को आपको लर्न करना पड़ेगा और इस प्रोसेस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेल्स के प्रोसेस को। जैसे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाना प्रैक्टिस किया, डॉक्टर ने हर चीज की जानकारी लेके उसको प्रैक्टिस किया, आर्किटेक्ट ने भी किया, उसकी तरह से आपको भी सेल्स के बारे में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहते हैं सेल्स में 4 लेवल होता है, एक बेगिंग यानी भीख मांगना, एक होता है टेलिंग
यानी खाली बोल के आना, एक होता है सेलिंग और एक होता है एजुकेटिंग। क्या आप बेगिंग कर रहे हैं, क्या आप मांग रहे हैं कि ले लो सर, अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जापान में है, 47 साल से हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया है, इतना कंट्री में है, आप ले लीजिए प्लीज सर, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे ले लीजिए सर, ले लीजिए ना सर प्लीज। ये होता है बेगिंग। एक होता है टेलिंग, जाते ही बड़बड़ करने चालू कर देते हैं, ये ऐसा 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 है, ये कंपनी है, ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ये है ये है ये है, इसमें पीएच लेवल है, ऐसा है वैसा है, ये टेलिंग होता है। और सेलिंग में तो कस्टमर बोलता है ज्यादा और सेल्समैन बोलता है कम, और एजुकेटिंग तो सबसे बड़ा लेवल का गेम होता है माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि क्या सेल्स, आप मेरे को बताइए क्या सेल्स एक साइंस है, एक आर्ट है, कि क्या ये स्किल है, क्या ये एक साइंस है यानी शास्त्र है, सेल्स जो है ये एक शास्त्र है, कि क्या ये कला है, क्या ये एक कौशल्य है, बताइए क्या है सेल्स, ये स्किल है, कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है ऑल, कोई लिख रहा है आर्ट है, कोई लिख रहा है ये आर्ट और साइंस है, ये बोथ है, कोई आर्ट लिख रहा है, कोई साइंस लिख रहा है, कोई आर्ट एंड साइंस लिख रहा है, कोई तीनों लिख रहा है, स्किल लिख रहा है, स्किल लिख रहा है, साइंस लिख रहा है, साइंस लिख रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, सेलिंग, यस माय डियर फ्रेंड्स, सेलिंग ये तीनों है, सेलिंग एक शास्त्र है, देयर आर साइंटिफिक स्टेप्स, सेलिंग एक आर्ट है और सेलिंग जो है एक स्किल है, कौशल्य है। साइंस को पढ़ना पड़ेगा, आर्ट को मार्केट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्किल की मास्टरी करनी पड़ेगी। लोग मुझसे पूछते हैं साइंटिफिक स्टेप ऑफ सेलिंग क्या है, तो बहुत साल पहले मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया कि सेल्स में सेल्स के स्टेप्स होते हैं, इसको साइंटिफिक स्टेप बोलते हैं। किसी को मिलने के पहले आपको डीप सस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, सस्पेक्टिंग करने के बाद आपको प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद आपको उस आदमी को अप्रोच करना पड़ेगा, अप्रोच करने के बाद वहां पर 5 चीजें करनी पड़ेगी, उसके बाद नेगोशिएशन होता है, उसके बाद क्लोजिंग होता है, उसके बाद ऑर्डर होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 स्टेप्स है जो आपको, ये साइंस है, ये साइंटिफिक स्टेप है, कैसा करेंगे, ये आर्ट है और इसकी मास्टरी आपको करनी है लागल सालों साल तक, उसको हम स्किल बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अप्रोच करेंगे, जब आप अप्रोच करेंगे किसी को, किसी के घर में जब जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, वो बीबी बैठा, बच्चा बैठा है और हस्बैंड बैठा है, आपको पूरी फैमिली को लाना है और फैमिली को लाने के पहले आपको सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग करना है और टेलीफोन पे बात करनी है और टेलीफोन पे बात करके अपॉइंटमेंट लेने की कलाकारी, वो भी एक साइंस है, वो भी एक आर्ट है, वो भी एक स्किल है, उसको मास्टरी करना पड़ेगा। टेलीफोन करने के बाद आप अप्रोच करेंगे और अप्रोच जब करेंगे आपको ओपीएसएमसी करना पड़ेगा। वहां पर क्या है ये ओपीएसएमसी, आप जब किसी के घर में जाएंगे तो सबसे पहला आपको ओपनिंग करना पड़ेगा, 8 स्टेप वापरने पड़ेंगे। ओपनिंग करने के बाद आपको प्रोबिंग करना पड़ेगा, उसके कस्टमर को, उसका नीड को एनालाइज करना पड़ेगा। प्रोबिंग करने के बाद आपको सपोर्टिंग करना पड़ेगा, यहां पर आपको अपने प्रोडक्ट और अपने कंपनी और सर्विस के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद मोटिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने 8 स्टेप बराबर ओपनिंग का वापरा तो मिलेगा आपको कस्टमर का अनडिवाइडेड अटेंशन। अगर आपने प्रोबिंग किया और आपने उसको स्पिन क्वेश्चंस पूछा, यानी आपने उसके लाइफ का सिचुएशन क्वेश्चन पूछा, आपने उसके लाइफ में जो सिचुएशन है, पानी को लेके जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को पूछा, उसकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा, उस प्रॉब्लम को अगर वो सॉल्व नहीं करेगा तो उससे उसको क्या इंप्लीकेशन होगा, क्या परिणाम होगा, जब उसको आपने वो क्वेश्चन पूछा, कस्टमर ने
तुम्हें अपना सिचुएशन बताया, कस्टमर ने जब अपना प्रॉब्लम बताया, कस्टमर ने जब बताया कि वो अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करे तो उसका क्या परिणाम होगा, और कस्टमर ने बोला अगर उसने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, जब आपने स्पिन क्वेश्चन की मास्टरी करके कस्टमर को बराबर तरीके से ओपनिंग के बाद प्रोबिंग करके ये चार टाइप के अलग क्वेश्चन पूछे तो आपको मिला कस्टमर का इंटरेस्ट, यहां पर नीड पैदा हो गया। तो पहला आप लेंगे कस्टमर के घर में जाने के बाद उसका ओपनिंग करके अटेंशन प्रोबिंग करने के बाद आप उसमें इंटरेस्ट को पैदा करेंगे, मात्र ये दोनों मिलने के बाद, अटेंशन और इंटरेस्ट मिलने के बाद ही आप अपना कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में बोलेंगे, इसको सपोर्टिंग बोलते हैं। यहां पर आप सेल्स बर्गर यूज करेंगे, सेल्स बर्गर बोल के कॉन्सेप्ट है, आप अपने कस्टमर को अपने कंपनी का फीचर और एडवांटेज बताएंगे, आप कंपनी के बारे में फैक्ट एंड फीचर्स बताएंगे, उसके बाद एडवांटेज बताएंगे, उसके बाद बेनिफिट बताएंगे, यहां पर आप उसको कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर समझाएंगे, और वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाएंगे, और डेमो है तो डेमो देना पड़ेगा। अगर ये अच्छी तरीके से आपने किया तो कस्टमर में आएगा कन्विक्शन। तो पहला आपको करना पड़ेगा ओपनिंग, ओपनिंग करके कस्टमर का लेना पड़ेगा आपको अटेंशन, उसके बाद प्रोबिंग करना पड़ेगा, प्रोबिंग करके आपको कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पैदा करने के बाद आपको अपना माल के बारे में बताना होगा, माल के बारे में बताने के टाइम पे कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर को यहां पर आपको पेश करना पड़ेगा, केनगन का जो कॉन्सेप्ट है, वाटर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर पेश करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आप उसको मोटिवेट करके ऐसा एहसास दिला दीजिए कि उसने ऑलरेडी केनगन ले लिया है और उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया है और उसका डायबिटीज कम हो गया है और उसका एसिडिटी कम हो गया है और उसके लाइफ में हेल्थ और रंगरलिया बनने चालू हो गई है। ये पिक्चर उसको दिखाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आज खरीदने का उसके अंदर डिजायर पैदा होगा, और ऐसा अटेंटिव इंटरेस्टेड कन्विंस्ड और डिजायरस आदमी को आप क्लोज करेंगे, और जब आप क्लोज करेंगे वो एक्शन लेगा। ये साइंटिफिक स्टेप है माय डियर फ्रेंड्स, इसकी कलाकारी आपको मास्टरी करनी पड़ेगी इसके ऊपर पढ़ाई करके। अभी तक अगर आप मेरे साथ अभी तक आकर अगर आप मेरे साथ हैं अभी तक तो यस बोलिए। तो सबसे पहला आपको जाके ओपनिंग करना है, फिर प्रोबिंग करना है, फिर सपोर्टिंग करना है, फिर मोटिवेटिंग करना है, फिर क्लोजिंग करना है। इसके स्टेप्स है, इसकी साइंस है, कैसे करेंगे वो आर्ट है, और जब आप इसकी मास्टरी करेंगे तो जहां जाएंगे आपको बिजनेस मिलने की संभावना है, लेकिन सिर्फ एक प्रोफेशनल इसकी पढ़ाई करेगा, बाकी तो जो मन में आया वो बोल के आएगा, और कभी कभी आपका नसीब है तो आपको बिजनेस मिल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आदमी क्रिकेट की मास्टरी करता है, चेस की मास्टरी करता है, वो माला माल बनता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बताइए, आपने उसको बोला भैया ऑर्डर दे दीजिए, आप मेरे को चेक दे दीजिए, 3 लाख रुपए का चेक दे दीजिए, तो क्या वो कुछ बोले बिना देता है? क्या वो बिना एक चीज क्वेश्चन पूछे बिना चेक देता है? यस और नो, यस और नो, नो, बिल्कुल नो। वो बोलेगा तेरा भाव ज्यादा है। मैं सोच के बताता हूं, अभी मैं मेरे वाइफ को पूछ के बताता हूं, मैं मेरे भाई को पूछ के बताता हूं, ऐसा उसका भाई नहीं है, उसके बाप ने ऐसा कोई भाई नहीं पैदा किया था, लेकिन वो बोलता है मैं भाई को पूछ के बताऊंगा आपका भाव ज्यादा है, मैं बाप में बताऊंगा, आप मेरे को पुश मत कीजिए, जब भी लूंगा आपसे ही लूंगा, डोंट पुश मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, योर प्राइस इज टू हाई। ऐसा वो एक एक करके आपको स्टोरी सुनाएगा। अब स्टोरी को हम लोग सेल्स में बोलते हैं एटीट्यूड्स बोलते हैं। 5 टाइप के एटीट्यूड दिखाता है आदमी। जब आप भाव बोल के उसको चेक मांगते हैं या आरटीजीएस ट्रांसफर करने बोलते हैं तो 100 में से एक आदमी खाली एक्सेप्ट करेगा,
97% आदमी लोग बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसको इनडिफरेंस बोलते हैं, इसको हैंडल करने का तरीका अलग है। दूसरा एक आदमी बोलेगा क्या गारंटी है कि आपका माल लेने से मेरा एसिडिटी चला जाएगा, क्या गारंटी है कि आपका माल लेने से मेरा ब्लड प्रेशर चला जाएगा, मैं 20 साल से ब्लड प्रेशर में, मैं इंसुलिन ले रहा हूं, तू क्या बात कर रहा है, क्या गारंटी है कि तेरा इसके लेने के बाद इंसुलिन से मैं दवाई पे आ जाऊंगा और दवाई से मेरी दवाई जीरो हो जाएगी, क्या गारंटी है, इसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं, डाउट्स बोलते हैं, इसको हैंडल करने का तरीका अलग है। और फिर एक बात भी बोलता है, मैं जब भी लूंगा आपसे लूंगा, जब भी लूंगा आपको फोन करूंगा, आप नंबर दे दीजिए, डोंट पुश मी, इसको स्टॉलिंग बोलते हैं, इसको हैंडल करने का तरीका अलग है। और एक होता है तेरा भाव बहुत ज्यादा है, इसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं, साइंस है और इसको हैंडल करने के तरीके अलग अलग हैं। आपने अगर इसकी पढ़ाई नहीं की तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपके लिए भाव ज्यादा है वो भी ऑब्जेक्शन है, मैं सोच के बताऊंगा वो भी ऑब्जेक्शन है, क्या गारंटी है कि तेरा माल लेने से मेरा इंसुलिन निकल जाएगा, वो भी ऑब्जेक्शन है। नहीं नहीं नहीं, ये पांचों अलग गेम है, ये पांचों अलग का दवाई अलग है। आर यू विथ मी? इफ यू आर विथ मी जस्ट से यस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओपनिंग करो, प्रोबिंग करो, सपोर्टिंग करो, और सपोर्टिंग रिपोर्टिंग करके वहां पर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर बतानी है। लाल कलर में आप देखिए, आपको ओपनिंग करने के बाद, आपको क्वेश्चन पूछने के बाद आपने जब उसका नीड को आइडेंटिफाई कर दिया और खुद उसने जब बोला मेरा सिचुएशन ये है, मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा इंप्लीकेशन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने का ये है, जब वो बोलेगा, जब वो एकदम तैयार हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, तब माल निकालना। और सबसे पहला आप वहां पर बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर के बारे में, कैंगन वाटर का कॉन्सेप्ट के बारे में बोलेंगे, और पहला उसको बेचना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर। और वहां पर अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं, आपका प्रेजेंटेशन में हमारे बॉडी में 70% पानी है, और ऐसा कुछ दिखाते हुए, यू नो, ब्रेन में इतना पानी है, आंख में इतना पानी है, हार्ट में इतना पानी है, लंग्स में, लिवर में, किडनी में, ऐसा आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपके पास अलग अलग प्रेजेंटेशंस होने चाहिए। और ये सब समझाने के बाद पानी और पानी की महत्व और पानी की इंपॉर्टेंस और पानी से किस तरह से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे, यू नो, उसके बारे में और ये सब चीजों के बारे में आपको उस आदमी को तैयार करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में, एसिडिक स्ट्रेस के बारे में और डिहाइड्रेटेड स्ट्रेस के बारे में, ये सभी चीजों का कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्योर और बढ़िया तरीके से बताने के लिए अभी निकालेंगे डेमो और डबो देंगे। ओपनिंग करने के बाद, उसका अटेंशन लेने के बाद, प्रोबिंग करके उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के बाद, कन्विक्शन स्टेज में कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर को समझाने के बाद डेमो जब दिखाएंगे तो वो फाल हो जावे। और डेमो दिखाने के लिए एक एक फीचर एडवांटेज बेनिफिट बताना पड़ेगा, आपके एक एक फीचर एडवांटेज बेनिफिट प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, और तब जाके काम बनने की संभावना है माय डियर फ्रेंड्स। सातवां झूठ, द आर्ट ऑफ गिविंग इफेक्टिव डेमो इज जस्ट एन ऑप्शनल स्किल, बोलते ना डेमो देना एक ऑप्शन है। नहीं नहीं नहीं, डेमो आपका लाइफलाइन है, डेमो आपका लाइफलाइन है। यूरेका फोर्ब्स में जब मैं काम करता था, डेमो लाइफलाइन है, एक्वागार्ड का प्रेजेंटेशन करते थे तो लाइफलाइन है, 4 लाख रुपए का माल या 3 लाख रुपए का माल, डेमो देख के जो पावर मिलता है कस्टमर को, जो कन्विक्शन मिलता है, और डेमो के सामने क्या क्या बात करना है, वो सबकी मास्टरी अगर हो गई तब जाके इफेक्टिव डेमो अगर नहीं दोगे तो सेल नहीं मिलेगा। आठवा झूठ, you know, explaining the right information about antioxidant property, pH property and hydration property is optional. ये optional नहीं है, क्योंकि भाव बोलने के पहले, price बोलने के पहले, price, price बोलने के पहले customer ठंडा नहीं हो जावे, इसके लिए price में से ice निकालना पड़ेगा, ICE निकालना पड़ेगा। 3 लाख सुनने के बाद साला ठंडा नहीं हो जावे customer, उसके लिए
पहला हाउस का बर्गर्स बनाने पड़ेंगे, सेल्स बर्गर्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा पेश करना चाहिए कि माल 3 लाख का, लेकिन उसको लगना चाहिए कि 13 लाख रुपया देना पड़ेगा मेरे को, और 13 लाख का बर्गर बनाने के बाद फिर 3 लाख रुपए की बात करनी है। पहला आइस निकालना है प्राइस में से। Are you with me? ऐसे ही जाके मुंह में आया वो बोल दिया, ना ओपनिंग किया, ना प्रोबिंग किया, ना सपोर्टिंग किया, और माल निकाल के बैठ गए जैसे कि वो खरीदने के लिए वो ना बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज तक कोई आदमी ने ऐसा तो नहीं बोला, सुजाता तुम कहां थी, मैं कई सालों से कैंगन लेने का तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहां थी, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, ऐसा एक भी कुत्ते ने तुमको बोला? एक आइटम नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा। किसी को नहीं चाहिए तुम्हारा माल, किसी को नहीं चाहिए था मेरा वैक्यूम क्लीनर लेकिन मेरे को बेचने का है, तेरे को नहीं चाहिए मेरा वाटर आयनाइजर मेरे को बेचने का है, मेरे को जीवन बनाने का है, और तेरे को मैं ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगा, ऐसी बातें करूंगा कि तू 3 लाख रुपया मस्के के मफत निकाल के देवे। निकालने की कलाकारी मैं सीखूंगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं टेलिंग नहीं करूंगा, मैं बैगिंग नहीं करूंगा, मैं सेलिंग करूंगा। ये कलाकारी सीखनी पड़ेगी, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड देयरफॉर एक्सप्लेनिंग विद द राइट इंफॉर्मेशन यू कैन इंप्रूव द स्पीड ऑफ योर सेल्स कन्वर्जन्स टू मेनी फोल्ड। लेकिन ये कलाकारी है, इसका रोल प्ले करके, नवा जो झूठ है बीइंग जस्ट एन इंफॉर्मेशन गिवर ऑन कस्टमर्स हेल्थ इज मोर देन इनफ। आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना है, आपको इंस्पायर करना है पानी के बारे में, कस्टमर सॉल्यूशंस देन रहा है, और आपको इंस्पायर करना है बाय गिविंग द राइट काइंड ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स आपको ये सब करना है, और जब आप ये सब सीखेंगे, एक और झूठ बोला जाता है कि डिस्काउंट दे दे के बेचो, डिस्काउंट दे दे के बेचो। जिसको एबिलिटी नहीं है बेचने की वो डिस्काउंट देता है। सच्चाई ये है कि डिस्काउंट देने वाले इस लाइन में बहुत लंबा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। योर प्राइस इज राइट बोल के मेरी वीडियो है, उसमें मैंने बताया अपने भाव पे कैसे बेचना है। डू नॉट एग्जिस्ट इन बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। जो डिस्काउंट दे दे के बेचते हैं, भाव, सेलिंग द प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस इज योर ओनली वे टू ग्रो। लेकिन बेचने की कलाकारी, अगर आपने ओपनिंग में 8 स्टेप बराबर किया, प्रोबिंग आपने बराबर किया, सपोर्टिंग आपने बराबर किया, मोटिवेटिंग आपने बराबर किया, क्लोजिंग आपने बराबर किया, तो पक्का मैं आपको बोलता हूं कस्टमर का ऑब्जेक्शन, स्केप्टिसिज्म सब कम हो जाएगा, और फिर आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बेच पाएंगे। 11वां झूठ, सेल्स कन्वर्जन रेशियो विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली। रेशियो लिखना चाहिए, उधर रेशन लिखा हुआ, गलती हो गई। सेल्स कन्वर्जन रेशियो विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली। आपका सेल्स का कन्वर्जन रेशियो, अगर आप 10 के पास जाते हैं, 1 को बेचते हैं, 10 के पास जाके अगर 3 करना है, 10 के पास जाके अगर 5 को बेचना है, 10 के पास जाके अगर 8 को बेचना है, तो आपको सेल्स कन्वर्जन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये कन्वर्जन प्रैक्टिस से ही सुधर सकती है। एंड देयरफॉर डेली प्रैक्टिस ऑफ 1 to 2 आवर्स रोल प्ले अपने टीम लीडर अपलाइन के साथ आपको करना पड़ेगा, तब जाके गेम चलेगी। झूठ नंबर 12, यू नीड टू जस्ट टॉक वेल, इट्स अ नेचुरल टैलेंट। खाली बात करो, टॉकिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टॉकिंग में तो आदमी टॉकिंग, यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉकिंग एंड स्पीकिंग। टॉकिंग में आप नॉनसेंस भी बात कर सकते हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, और स्पीकिंग में आप सेंस बात करते हैं। रियल कम्युनिकेशन आपको सीखना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। मेरा 4 घंटे का बहुत ही वीडियो बढ़िया है, कम्युनिकेशन मल्टीप्लाई, सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर 4 घंटा बात किया मैंने। 13वां झूठ कि बस कंपनियां जंप करो और इनकम को मल्टीप्लाई करो, यह झूठ है। और वो आदमी जो सिग्निफिकेंट बना,
हर वो आदमी जो बुलंदियों पे पहुंचा, हर वो आदमी जिसकी इज्जत बनी रही है इंडस्ट्री में, ये वो आदमी है जो एक कंपनी में जुड़ा, एक कंपनी में लगातार ग्रो हुआ और एक कंपनी में ही अपना जान निछावर करके लोगों को बिल्ड करने के लिए अपने आप को सिग्निफिकेंट उसने बनाया और वो रोल मॉडल बना है, यू नो। तो ये रोज कंपनी छोड़ने वाले जो लोग होते हैं वो जिंदगी में कभी टॉप में नहीं पहुंच पाएंगे। 14वां झूठ, कि थोड़ा वो झूठ चलता है ये लाइन में। सच्चाई ये है कि ये लाइन में अगर आपने एक भी झूठ बोला, अगर आपने एक भी टोपी लगाया, अगर आपने एक ऐसा कुछ भी बात बोल दिया, तो लंबा टाइम तक आपका क्रेडिबिलिटी और आपका जो यू नो रेफरेबिलिटी है वो इफेक्ट हो जाता है। एंड देयरफॉर आप हमेशा सच बोलिए, सच के सिवाय कुछ ना बोलिए। 15वां झूठ लोगों का ये है कि ट्रेनिंग सेशन जो है बस मोटिवेशन करो, लोगों का मोटिवेशन करो, बस लोगों का मोटिवेशन करो और 3 और 15 मिनट का YouTube वीडियो देखो तो काम हो जाएगा। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, सच ये है कि मोटिवेशन के साथ साथ, मैं आपको कितना भी मोटिवेट करूं, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ नॉलेज ऑफ सेल्स एंड उसका अपग्रेडेशन, एटीट्यूड ऑफ अ ग्रेट सेल्स पर्सन का फॉर्मेशन होना चाहिए, स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए, हैबिट्स की फॉर्मिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटजीज का फॉर्मुलेशन होना चाहिए। KASHS बोलते हैं, राइट नॉलेज, राइट एटीट्यूड, राइट स्किल, राइट हैबिट्स, राइट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और आपके पास सेल्स के टूल्स, सेल्स के टेक्निक, सेल्स के प्रोसेस, सेल के फैक्ट्स और फिगर्स और क्लैरिटी होनी चाहिए। यह सब होगा और डिटेल में अगर आपने सेल्स और सेल्स मैनेजमेंट और लीडरशिप और टीम बिल्डिंग और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की तो आप माला माल बनेंगे। खाली मोटिवेशन से काम चलने वाला नहीं है। 16वां झूठ, वी हैव टू डिपेंड ऑन आर अपलाइन, कि बस अपलाइन के ऊपर डिपेंड कर दो। सच ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये तुम्हारा धंधा है, तुम्हें इसको बिल्ड करना है, तुम्हें ये साबित करना है कि तुम एक प्रोफेशनल हो। तुम्हारा अपलाइन उसका काम करेगा, हाँ तुमको वो गाइड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, लेकिन धंधा आपका है, बिल्ड आपको करना है, ये सच्चाई है। रूट नंबर 17, कि डिजिटल सेल्स इज फाइन बट रियल बिजनेस तो फेस टू फेस सेलिंग से ही होता है और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ही होता है। माई डियर फ्रेंड, सच्चाई ये है कि दुनिया बदल गई है। इफ यू इग्नोर द न्यू ड्राइवर्स ऑफ बिजनेस विजिबिलिटी, यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस। और नया जो ड्राइवर्स है बिजनेस का वो क्या है, हाइब्रिड सेलिंग है, फेस टू फेस सेलिंग भी है, ऑनलाइन भी सेलिंग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी बेचना है, वर्चुअल बेचना भी है, यानी कि आपको लर्न करना पड़ेगा वीडियो सेलिंग, वीडियो पे कैसे बेचना है, डिजिटल कम्युनिकेशन कैसे करना है, वर्चुअल मीटिंग कैसे लेना है, वर्चुअल इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है, नॉर्मल इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन वर्चुअली कैसे करना है, यू नो न्यू डिलीवरी चैनल कैसे करना है, स्टूडियो कैसे बिल्ड करना है, आपको अपना स्टूडियो बिल्ड करना चाहिए, उस पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ एक प्रोफेशनल है जो ऑफिस में, स्टूडियो में, ये सब चीजों में इन्वेस्ट करेगा। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, कोविड के पुराने वाला जो जमाना है वापस कभी नहीं आने वाला है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग और प्रमोशन, खुद के वीडियोस और बाकी सब चीजें बनाने का कलाकारी को आपको सीखना पड़ेगा, ये है नया नॉर्मल। और 18वां झूठ ये है, और आपका साथ चाहूंगा और आपका मदद चाहूंगा, 18वां झूठ ये है, ये बोला जाता है कि टाइगर संतोष नायर जो अल्टीमेट गुरु है नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, वॉज बॉर्न विथ ऑल दी एबिलिटीज। टाइगर संतोष नायर जब 1964 में पैदा हुआ था, अपने माँ के कोख से ही सेलिंग स्किल्स की कलाकारी, लीडरशिप की कलाकारी, मैनेजमेंट की कलाकारी, नेगोशिएशन की कलाकारी, कम्युनिकेशन की कलाकारी, ये सब कुछ अपने माँ के कोख से ही सीख के आया था। यस और नो, यस और नो, यस और नो, मास्टरी करके आया था। मेरे माँ के कोख से निकलने के टाइम पे 29 सितंबर 1964 में नायर बाहर आया तो कलाकारी का बंडल लेके आया था। Yes or no? सब लोग बोलते हैं ना। 1985 में 19 बरस के उम्र में जब मैंने सेल्स के इंडस्ट्री में आया तो मुझे सेल्स का एस भी नहीं मालूम था। माय डियर फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल एंड आई बिलीव
कि ये 18 झूठ बोला जाता है।